हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आज हम बात करेंगे सर्विसाइटिस यानी कि बच्चेदानी के मुंह के इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के बारे में। बच्चेदानी के अगर हम भागों की बात करें तो उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग जिसे हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस, और दूसरा भाग जिसे हम बोलते हैं माउथ ऑफ द यूट्रस, बच्चेदानी का मुंह, या टेक्निकली हम इसे बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो वजाइना यानी कि योनि मार्ग में रहता है उसे हम बोलते हैं एक्टोसर्विक्स। ये गायनेकोलॉजिस्ट को जब वो इंटरनल चेकअप करती हैं तो बाहर से दिखाई देता है। और सर्विक्स का एक हिस्सा होता है जो हमारे पेट के अंदर में रहता है यानी कि वजाइना के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एंडोसर्विक्स। तो जब कभी यूट्रस के माउथ पे इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी वजह से, उसे हम बोलते हैं सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस के अगर हम लक्षण की बात करें तो सबसे कॉमन जो उसका लक्षण होता है वो होता है एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम दी वजाइना, यानी कि आपको योनि मार्ग से बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी निकलने की शिकायत हो सकती है, या बदबूदार पानी आ सकता है, ब्राउन, रेड या येलो कलर का पानी आ सकता है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि पीरियड्स के बीच में कभी कभार आपको ब्लीडिंग हो सकती है। संबंध बनाने के समय पे दर्द होना जिसे हम बोलते हैं डिस्पेरुनिया, या संबंध बनाने के बाद में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना, खून का धब्बा लगना जिसे हम बोलते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, या फिर पेट के नीचे के हिस्से में दर्द बने रहना, आपको बार बार यूरिन जाने की चाह होना, बार बार यूरिन जाने के लिए कर रहे हैं, या आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये सब लक्षण होते हैं सर्विसाइटिस के। सर्विसाइटिस के अगर हम वजहों की बात करते हैं तो सबसे कॉमन जो इसका कारण होता है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर हम सावधानियां नहीं बरतते हैं और अनप्रोटेक्टेड संबंध बनाते हैं, पार्टनर्स मल्टीपल रहते हैं, तो ऐसे में एक पार्टनर से आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्लमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस या ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस, ये कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से एक पार्टनर में दूसरे में जाते हैं, और इसकी वजह से सर्विक्स के माउथ पे जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हम उसे सर्विसाइटिस बोलते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन ना होते हुए भी ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ऐसा होता है एलर्जीज, अगर किसी वजह से आपको कॉन्डम से एलर्जी है, या जो फीमेल कॉन्डम्स हैं उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उससे एलर्जी है, मेंस्ट्रुअल कप के मटेरियल से एलर्जी है, या आप अगर कोई स्पर्मिसिल जेली इस्तेमाल कर रहे हैं, या वजाइना को क्लीन करने के लिए डूशिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सब में जो केमिकल्स या रबर इस्तेमाल होता है या लेटेक्स कई बार इस्तेमाल होता है, किसी को उससे एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी की वजह से भी सर्विक्स पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं एलर्जिक सर्विसाइटिस। और लास्ट में होता है बैक्टीरियल इम्बैलेंसेस होना। मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसमें कुछ बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस का कुछ मात्रा में होना एक नॉर्मल चीज़ है। इनकी एक्टिविटी से वजाइना का एक पीएच मेंटेन होता है, जो कि हमें बाकी के ऑर्गेनिज्म से जो कि पैथोजेनिक यानी कि बीमारी फैलाने वाले रहते हैं उससे प्रोटेक्शन देता है। लेकिन कभी अगर हम कुछ सावधानियां नहीं बरतते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का जैसे डिटॉल या पेरिनियल वॉशेस का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से, या शुगर हो जाने की वजह से, या ऐसी कोई बीमारियां हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाता है। हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, अनहेल्दी बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्विसाइटिस होता है, या हम इसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी कई बार बोलते हैं। तो ये कॉमन कॉजेज हैं सर्विसाइटिस के। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, प्लीज़ ऑनेस्ट रहिए अपने पार्टनर्स को लेकर के। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आपको अवॉइड करना है, क्योंकि सबसे कॉमन कॉज सर्विसाइटिस का यही होता है। और जब भी आप रिलेशनशिप में हैं तो मेक श्योर कि आप प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करिए, कॉन्डम्स का इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाता है। जब तक आपके डॉक्टर सलाह नहीं दें, प्राइवेट पार्ट पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, पेरिनियल वॉशेस का इस्तेमाल करना, या वजाइना को अंदर क्लीन करना जिसे डूशिंग बोलते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस से बच के रहिए, क्योंकि ये आपके हेल्दी बैक्टीरियाज को डिस्टर्ब करता है और अनहेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करने का एक मौका मिल जाता है।
पेरिनियल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी कि महावारी के समय पे आप सैनिटरी नैपकिंस जो हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज करिए। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसके हाइजीन और उसकी क्वालिटी को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए और ध्यान रखिए इन सब बातों का। गर्मी के दिन है तो आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है। गर्मी के दिनों में टाइट्स पहनना, जैसे कि जीन्स या बहुत ज़्यादा टाइट लेगिंग्स का इस्तेमाल करना, इससे भी इन्फेक्शन को आप इनविटेशन देते हैं। तो कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनिए और पब्लिक टॉयलेट्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर कि हाइजीन यानी कि साफ सफाई को लेकर के आप ज़रूर ध्यान देंगे। सर्विसाइटिस, खासकर जो वायरसेस से सर्विसाइटिस होते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये प्रोटेक्टेड इससे हम ले सकते हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है। लेकिन एक बात जो आप लोगों को ध्यान देने की है कि अगर कभी भी इस तरीके के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि अगर सर्विसाइटिस सही समय पे इलाज नहीं किया जाता है इसका, तो आगे जा करके ये आपको इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ठहराने में भी दिक्कत पड़ सकता है। सर्विसाइटिस अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये इन्फेक्शन आपके बच्चेदानी के मुँह से होता हुआ बच्चेदानी के अंदर और फिर ट्यूब्स में भी पहुंच सकता है और ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है, और इसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज हो सकती हैं, जिससे आपको कमर में हमेशा दर्द बना रह सकता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, बच्चा ठहरने में दिक्कत आ सकती है, या प्रेगनेंसी रुकने के बाद अबॉर्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा रिकरेंट सर्विसाइटिस, यानी कि बार बार अगर सर्विसाइटिस हो रहा है, आप इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, तो फ्यूचर में ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी बन सकता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करिए, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में रहिए, और इसके बाद भी अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, टाइमली इसका चेकअप कराइए और ट्रीटमेंट लीजिए। आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक ज़रूर करिए।